यहीं से रूपा जी बात करेंगे ग्वार कॉम्प्लेक्स की। तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि ग्वार और ग्वार सीड दोनों की कीमतें आजकल के मुकाबले कुछ सपोर्ट के साथ ट्रेड करती नजर आ रही हैं। कल को जहां पे हमने ग्वार को 11,000 के नीचे जाते देखा था, ग्वार सीड भी 6,000 के लेवल्स पर था, वहीं देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज बढ़त बनती नजर आई है। ग्वार गम एक बार फिर से 11,000 के ऊपर है और ग्वार सीड 6,100 के ऊपर। आपको क्या लगता है, क्या अगर क्लोजिंग अच्छी रही तो ग्वार में फिर अगले कारोबारी सप्ताह एक अच्छी रैली देखने को मिल पाएगी? देखिए बिल्कुल ग्वार भी पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है यहाँ से, और इसमें एक बार फिर से बाइंग इनिशिएट हो रही है। क्रूड भी जैसे सपोर्ट ले रहा है वैसे ही ग्वार के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी अब लौट चुकी है निचले स्तरों से। देखिए 10,000 के नीचे लुढ़क गई थी, अब वापस से 11,000 के ऊपर है, तो आप यहां से मान के चलिए कि 12,000 से लेकर 12,500 तक ग्वार ऊपर में जा सकती है। वहीं अगर गम की बात सीड की बात करें तो सीड भी अब ऊपर में 6,200 से लेकर 6,500 का स्तर छू सकती है। जिस हिसाब से रैली आई है निचले स्तर छूने के बाद वापिस से बाउंस बैक आया है, इस बाउंस बैक के चलते लग रहा है कि ग्वार गम और ग्वार सीड वापिस से उन्हीं स्तरों पर सस्टेन होते हुए दिखाई दे सकते हैं और इनकी तेजी 12,500 तक जा सकती है और 6,500 तक सीड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी,